मुरादाबाद लोकसभा सीट से पहली महिला सांसद बनी रुचि वीरा। इंडिया गठबंधन से सपा के प्रत्याशी रुचि वीरा ने लहराया जीत का परचम। उन्होंने भाजपा के सर्वेश सिंह को 1,05,000 वोटों से हराकर जीत दर्ज की। डीएम मानवेंद्र सिंह ने प्रमाण पत्र देकर विजय घोषित किया। रिपोर्ट अजय सक्सेना। लोकसभा क्षेत्र मुरादाबाद के सभी सम्मानित मतदाताओं का, सभी छोटे बड़ों का, हिंदू मुस्लिम का, सभी का दिल की गहराइयों से बहुत धन्यवाद और शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे अपना कीमती वोट देकर, अपना आशीर्वाद देकर और मुरादाबाद की जो भी मतलब मेरे ऊपर जिम्मेदारी डाली है और जो मुझ पर भरोसा जताया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत उन सबका धन्यवाद। और जो भी क्षेत्र की समस्याएं होंगी उन्हें प्राथमिकता पर सदन में उठाने का काम करूंगी। और ऊपर वाले ने चाहा कि सरकार बन गई तो भाई आप भी जानते हैं सरकार बनने से भाई और भी काम की रफ्तार बढ़ जाएगी। उसके अलावा भी मैं अपने क्षेत्र में हरदम हम सब लोगों के सुख दुख में बनी रहूंगी। किस तरीके से मुकाबला रहा, सबसे लेकर आखिर तक मुकाबले में आप बनी रही, क्या कहना चाहेंगे? देखिए वैसे तो भाई जो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि सेकुलरिज्म की जीत हुई है और जो देश का माहौल चल रहा है लोगों ने उसमें परिवर्तन किया है। उत्तर प्रदेश में भारी तादाद में इंडिया गठबंधन की सीटें आई हैं और अभी मुझे बहुत ज़्यादा आंकड़ों के बारे में जानकारी नहीं है क्योंकि मैं अभी काउंटिंग के और अपना मतलब सर्टिफिकेट लेके बाहर अभी निकली हूँ। तो भाई मैं यही कहना चाहूँगी, सब लोगों का धन्यवाद और भाई जो लोगों ने मुझ पर भरोसा जताया है उस पर उन्हें कोई निराशा नहीं होगी। ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से मेहनत और मुकाबला कैसा रहा? देखिए समाजवादी पार्टी के शुरू से ही मुरादाबाद जनपद के जब से हमारे ने रुचि वीरा जी को प्रत्याशी घोषित करा था उसी समय से समाजवादी पार्टी मुरादाबाद के अंदर एक लहर सी दौड़ गई थी कार्यकर्ता में और उसी उत्साह का ये परिणाम है कि कार्यकर्ता में बहुत बड़ा उत्साह था। उन्होंने मन से चुनाव लड़ाया, पूरी ताकत से मेहनत से चुनाव लड़ाया। हर छोटे बड़े कार्यकर्ता ने सभी ने समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रुचि वीरा जी के हमारे कांग्रेस के जो साथी थे उन्होंने भी पूरी ताकत से चुनाव लड़ाया। उसी का परिणाम है कितने बड़े वोटों से समाजवादी पार्टी की जनपद मुरादाबाद में विजयी हुई है और हमारी प्रत्याशी रुचि वीरा जी ने भी बहुत मेहनत करी। जिस दिन से टिकट डिक्लेयर हुआ उसके बाद से लगातार पूरे जनपद के अंदर हर गली मोहल्ले क्षेत्र में देहात हो शहर हो सब जगह जाने का काम करा है और पूरा जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे वर्कर थे छोटे बड़े सबका सम्मान देने का काम करा। उसी का परिणाम इतने बड़े वोटों से समाजवादी पार्टी की आज जीत हुई है। इस चुनाव में जिला अध्यक्ष भी बदले गए, क्या कोई फर्क पड़ा? ये तो देखो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो निर्णय करा उसका सभी ने स्वागत करा और सभी ने जो कार्यकर्ता थोड़े बहुत घर बैठे हुए थे या कुछ थे वो सब लोग मैदान में आ गए और उसके रिजल्ट सामने। आपको लगता है कि आपके जिला अध्यक्ष बनने के बाद कार्यकर्ता में और उत्साह बढ़ा? जी हाँ, देखो ये तो स्वाभाविक था, थोड़ा सा फर्क पड़ता है कहीं तो इससे माहौल तो बनता ही है। तो इसीलिए समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी भी हमारी नई आई थी और सब कार्यकर्ता जुट गए, किसी का कोई मनमुटाव भेदभाव कुछ नहीं था, सबका प्यार इसने उन्हें मिला और इतने वोटों से जीती। अब अगला कदम क्या है?
अब अगला कदम तो जनता की सेवा करने का और इंडिया गठबंधन हमारा जीत रहा और सरकार बनाने का है। अखिलेश यादव को जीत है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे प्रदेश के अंदर इतनी जनसभाएं करी हैं, इतनी मेहनत करी है, उसी का परिणाम है। PDA का जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नारा दिया उसका परिणाम है। पूरे ये एग्जिट पोलों का कोई देखो इनका कोई भरोसा विश्वास तो है नहीं। ये तो रहा चलते 5 जने BJP के मिल गए या BJP के लोग खड़े करके उन्होंने एग्जिट पोल ले लिया तो उनका क्या आपके सामने है परिणाम, रिजल्ट सामने है। जो उन्होंने तो मुझे लग रहा जो हमारे देश के प्रधानमंत्री बोल रहे थे उन्होंने उसे ही कह दिया कि 400 पार दिखाने लगे। ये कोई हमारे नेता हमारी पार्टी के ज़्यादातर नेता सबसे ज़्यादा वोटों से जीते और प्रधानमंत्री जी शुरू में हारे और हमारे नेता शुरू से जीते और उनसे ज़्यादा वोटों से जीते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी 2.5 लाख वोटों से जीते हैं तो उनका तो जी आज रुचि भी जाएगी कि कितनी वोटों से जीते लगभग 1,08,000 के आसपास वोटों से जीत हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।